महाराष्ट्र में बार बार उद्धव ठाकरे गुट, शरद पवार गुट और कांग्रेस की ओर से कंत्राटी भर्ती के बारे में विषय उठाया जा रहा था और हमारे सरकार पर आरोप किए जा रहे थे। मैंने आप सभी को जो कागज दिए हैं उसमें आप देख सकते हैं, इसका पहला निर्णय सुशील कुमार शिंदे जी कांग्रेस के जब मुख्यमंत्री थे तब लिया गया और शिक्षा विभाग में लिया गया। उसके बाद जिस समय अशोक चव्हाण जी मुख्यमंत्री थे तब 3 GR निकले, जिसमें शिक्षक से लेकर तो अलग अलग पदों पर कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों को लेने का प्रावधान किया गया। पृथ्वीराज चव्हाण जी जब मुख्यमंत्री थे तब 3 GR निकले गए और 2014 में फैसिलिटी मैनेजर्स को एम्पैनल किया गया। उसके बाद जिस समय राज्य में उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई, उस सरकार ने एक धोरण के रूप में इसको स्वीकारा और फैसिलिटी मैनेजमेंट के टेंडर बुलाने का निर्णय किया, जिसको मान्यता स्वयं उद्धव ठाकरे जी ने दी है, ये उनकी सिग्नेचर है। और इसकी सारी प्रक्रिया ये उनके ही काल में पूरी हुई और उसके बाद जब हमारी सरकार आई, हमारी सरकार के पास ये मान्यता के लिए आया, मान्यता के लिए नहीं, कैबिनेट के सामने आया, उस समय मैंने खुद ये पॉइंट आउट किया था कि इसको कैबिनेट में लाकर इसके रेट्स कम कीजिए, 30% 25 से 30% ये रेट ज्यादा है। उसके बाद कैबिनेट ने उसके रेट जो उस सरकार ने तय किए थे उससे 25 से 30% कम किए। उसके बाद मानो ये टेंडर हमने ही निकाला हो, हमने ही इसको किया हो, इस प्रकार से ये तीनों पार्टियां महाराष्ट्र में लोगों को भड़काने का काम कर रही थी। मैंने सभागृह में भी, विधानसभा में भी स्पष्ट रूप से बताया, ये पाप उनका है, ये हमारा नहीं है। और मैंने हमारे मुख्यमंत्री जी से चर्चा की, हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री जी से चर्चा की और हम सबने मिलकर यह तय किया कि उस सरकार ने किया हुआ है, इसको नीति के तहत हम क्यों स्वीकारें, उनकी नीति थी। इसलिए हमने यह तय किया है कि ये जो GR निकाला है इसको निरस्त किया जाएगा और अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है उनमें पहले जिस प्रकार से टेम्पररी पदों के लिए 6 महीने के 9 महीने के पदों के लिए या कोई कार्यक्रम होता था उसके लिए लोग लिए जाते थे, उसके अधिकार उनको होंगे, लेकिन नीति के तहत इस प्रकार से राज्य सरकार फैसिलिटी मैनेजमेंट की इतनी संस्थाओं को एक साथ ये सारा काम देकर और एक प्रकार से जो लोगों में भावना तैयार हो रही है कि सारा प्राइवेटाइजेशन किया जाने वाला, जबकि हमारी ही सरकार ने जो महाराष्ट्र में नौकर भर्ती बंद थी उसको शुरू किया और बड़े पैमाने पर हमने लोगों को सरकार में नौकरियां दी है और इसलिए हमारी सरकार ने फैसला किया है। अब मैं ये मांग करता हूं कि उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना, शरद पवार जी की पार्टी या उनका गुट और कांग्रेस, इन्होंने इस चीज के लिए महाराष्ट्र की माफी मांगनी चाहिए। आप आरक्षण रद्द करना चाहते हैं और जब पुलिस में इतनी बड़ी भर्ती आप करेंगे तो सुरक्षा के भी सवाल खड़े होंगे। अब ये सवाल तो पवार साहब से ही पूछना चाहिए कि जब इसको उनकी सरकार ने मंजूरी दी तब आरक्षण की बात उनके ध्यान में क्यों नहीं आई, वो उस समय क्यों भूल गए। जहां तक पुलिस का सवाल है, 3 साल से पुलिस में भर्ती नहीं हो पाई,
एक बड़ा बैकलॉग तैयार हुआ। हमने इस साल वो सारी भर्ती की। मुंबई के लिए करीब 8000 लोग हमने पुलिस में भर्ती किए, लेकिन उनका ट्रेनिंग होकर वो ज्वाइन होने को 1.5 साल लगता है। और मुंबई एक वल्नरेबल इस प्रकार का शहर है, यहां पर पुलिस की कमी से कोई घटना न घटे इसलिए महाराष्ट्र सरकार का सुरक्षा महामंडल, जिसमें पुलिस भर्ती के थ्रू ही हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं, उनमें से 3000 लोगों को मुंबई में ड्यूटी दी जाएगी। और इनको ड्यूटी देते समय ऐसी ड्यूटी दी जाती है जिसमें कोई पुलिसिंग का बड़ा काम नहीं होता, इसके कारण पुलिसिंग का काम करने के लिए पुलिस हमको उपलब्ध होते हैं। तो इस प्रकार का निर्णय लिया गया है, पुलिस में कोई भी कंत्राटी पद्धति से किसी को भी नहीं लिया जा रहा है। डीजी है, एसीबी है, सरकार उन्हें भरने के बारे में क्या सोच रही है? और दूसरा सवाल, क्या रश्मि शुक्ला की फिर से महाराष्ट्र में वापसी होगी? देखिए, इसका निर्णय तो मुख्यमंत्री जी करेंगे, मुख्यमंत्री जी के साथ हम चर्चा करेंगे कौन कौन से पद पर जाएगा, किसकी क्या सीनियोरिटी है, इसके आधार पर वो निर्णय होता है। ऐसे निर्णय प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं हो सकते। सर, आपने कहा कि सब कुछ रद्द कर दिया गया, तो नई भर्ती कब शुरू होगी? देखिए, नई भर्ती चालू ही है, ये तो फैसिलिटी मैनेजमेंट का टेंडर था, ये हम रद्द कर रहे हैं, नई भर्ती तो चालू ही है। ललित पाटिल इनको दिसंबर 2020 में अरेस्ट हुई, अरेस्ट के बाद उनका पीसीआर हुआ, पीसीआर 14 दिन का होता है। जैसे ही पीसीआर हुआ, ललित पाटिल ससून में एडमिट हुए और पूरे 14 दिन वो ससून में एडमिट थे और सरकार की तरफ से अर्जी भी नहीं लगी कि भाई इनका मेडिकल बोर्ड के सामने खड़ा कीजिए, या चूंकि ये 14 दिन पूरे ससून में एडमिट है तो हमको पीरियड बढ़ाकर दीजिए, ऐसी कोई अर्जी नहीं हुई। उनका एमसीआर हुआ, इतने महत्वपूर्ण मामले में उनका इंट्रोगेशन ही नहीं हुआ है, यानी जब केस कोर्ट में चलेगी तो जिसका इंट्रोगेशन ही आपने किया नहीं है उसको आप कैसे कन्विक्ट करोगे? तो मेरा सवाल है, अब ये इतना नार्को टेस्ट और क्या क्या ये जो बोल रहे हैं, इनको मेरा सवाल है ये बताइए, और उस समय ये ललित पाटिल उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना के नासिक के शहर प्रमुख थे, इसलिए उनको ये सहूलियत मिली क्या? किसके फोन से मिली? मुख्यमंत्री के, गृहमंत्री के, और किसी के? और इसमें भी बहुत चीजें बाहर आने वाली है, मैं आज इसलिए नहीं बताता हूं क्योंकि आज मैंने आपको दूसरी खबर दी है।